फ्रेंड्स, अनीता चौहान के साथ आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गोडविल के लर्नर्स क्लासेज में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान के बारे में जानेंगे पहले तो ये कि रासायनिक विज्ञान होता क्या है। रासायनिक विज्ञान विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी शाखाएं हैं, और जैसे भौतिक विज्ञान है, रासायनिक विज्ञान है, कंप्यूटर विज्ञान है। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान क्या होती है? रासायनिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। रासायनिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों द्रव्य से उनकी अन्योन्य क्रियाओं। रासायनिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, रासायनिक द्रव्य से अन्योन्य क्रियाओं, रासायनिक संगठन आदि के बारे में अध्ययन करते हैं उसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास के पदार्थ, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं है सब कहीं से बन रही पदार्थ से। ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब कहीं से बन रही है पदार्थ से। और ब्रह्मांड में वस्तुओं के बनने में केवल दो ही अवयव इम्पोर्टेंट है, एक है पदार्थ और दूसरा है ऊर्जा। तो हम यहाँ पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। जितनी भी वस्तुएं वे कहीं से बनी हुई है पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ, मैटर या सब्सटेंसेस। तो द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। जैसे मेज है, मेज का अनुभव कैसे करेंगे हम? देखकर या फिर छूकर। कुर्सी है, कुर्सी का अनुभव भी कैसे करेंगे? देखकर या छूकर। अब वायु है, वायु भी क्या एक द्रव्य है। वायु को ना हम देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष तो क्या होगा, जो हम सामने से देख रहे या छू रहे या सुन रहे, लेकिन अप्रत्यक्ष क्या हो गया? ना छू सकते, ना देख सकते, ना क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वायु का अनुभव हम कैसे करते हैं? जब पत्ते हिलते हैं। तो वायु क्या है? पदार्थ है, ठीक है। और हमारी जो ज्ञान इंद्रिया होती है वे होती है पांच। तो द्रव्य क्या होगा? द्रव्य या पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। अब आता है आयतन। आयतन किसे कहते हैं? कोई वस्तु जितना स्थान घेरेगी, उस घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। अब जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड इस दीवार पर जितना स्थान घेर रहा और वायु में भी जो स्थान घेर रहा, उस स्थान को क्या बोलेंगे बोर्ड का? आयतन। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आयतन का मात्रक होता है घन मीटर। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आयतन का मात्रक क्या होता है? घन मीटर। और जो द्रवों को मापा जाता है वो मापा जाता है लीटर में। द्रव यानी कि जैसे जल हो गया, दूध हो गया, ग्लिसरीन हो गया, तेल हो गया, उसे कहीं भी मापा जाएगा? लीटर में। अब आती है द्रव्य या पदार्थ के गुण। पहला गुण तो ये है कि जो पदार्थ है उनके कणों के बीच, पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पदार्थ क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और जो ये छोटे छोटे कण है उन कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे मान ली एक छोटा सा कण ये है, एक कण ये है, ये कण है, तो इनके बीच में ये रिक्त स्थान होता है। उस रिक्त स्थान को बोलेंगे अंतरणविक अवकाश। क्या बोलेंगे इसे? अंतरणविक अवकाश। यानी कि पदार्थ के सूक्ष्म कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जिसे अंतरणविक अवकाश कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे आप पानी में चीनी घोलते हैं या फिर नमक घोलते हैं, और जैसे एक गिलास पानी ले लिया और उसमें चीनी डाली, ठीक है, तो चीनी डालने के बाद भी जो पानी का स्तर है वो ऊपर नहीं उठता, वहीं रहे।
तो वो चीनी के कण कहाँ गए? वह चीनी घुलने के बाद कहाँ गई? चीनी के जो कण है वो घुलने के बाद जो पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान था उनमें मिल जाती है, यानी कि उस स्थान को घेर लेती है। जो अंतरावी कवकाश है पानी का, यानी कि कणों के बीच रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान को नमक या चीनी के कण घेर लेते, स्थान को भर देते हैं, जिससे पानी का स्तर ऊपर नहीं उठ पाता। तो इस प्रयोग से ये पता चला कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसे अंतरावी कवकाश कहते हैं। नंबर दो ये बताया कि जो पदार्थ के कण है वे निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण क्या रहते हैं? गतिशील, ठीक है। गतिशील के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगरबत्ती जलाते हैं, अगर एक कमरे में अगरबत्ती जला दी और उसका जो धुआं है, उसकी जो सुगंध है, वो क्या होती है, दूसरे कमरे में भी चली जाती है। तो इससे क्या पता चला कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। और जैसे ही अगरबत्ती बंद होती है तो उसकी सुगंध भी क्या होती है, बंद हो जाती है, यानी कि उष्मा के प्रभाव से पदार्थ के जो कण है, गतिज ऊर्जा है, वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। जब पदार्थ के कण गति करेंगे तो उसका मतलब क्या, उसमें गतिज ऊर्जा है, और उष्मा के प्रभाव के कारण जैसे जैसे उष्मा बढ़ती जाएगी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे उष्मा घटती जाएगी गतिज ऊर्जा भी घटती जाएगी। नंबर तीन है कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल, जिसे बोलेंगे अंतरावी आकर्षण बल। क्या बोलेंगे? अंतरावी आकर्षण बल, ठीक है। अब उसके बाद आता है नंबर चार, पदार्थ के जो गुण है उसका नंबर चार क्या है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होने के कारण, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होने के कारण उनमें विसरण की प्रक्रिया होती है, यानी कि एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। किसके कारण? रिक्त स्थान के कारण। तो पदार्थ के कितने गुण होंगे? चार। पहला कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसे अंतरावी कवकाश कहते हैं। दूसरा कि पदार्थ के कण क्या हो, गतिशील होते हैं, जिससे इसमें गतिज ऊर्जा होती है। नंबर तीन, पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे अंतरावी आकर्षण बल कहते हैं। नंबर चार, भिन्न भिन्न पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होने के कारण उनमें विसरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब उसके बाद आती है द्रव्य की भौतिक अवस्था। अभी द्रव्य के बारे में जाना था कि द्रव्य क्या होते हैं, द्रव्य के गुण भी जान गए। अब आती है द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। द्रव्य की जो भौतिक अवस्थाएं है वे होती है तीन। नंबर एक, ठोस अवस्था। नंबर दो, द्रव अवस्था। और नंबर तीन है गैस अवस्था। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था किसे कहते हैं, गैस अवस्था किसे कहते हैं, और द्रव अवस्था किसे कहते हैं, अब इसके बारे में जानेंगे। ठोस अवस्था क्या होगी? ठोस वे पदार्थ होते हैं, जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस कौन से पदार्थ होंगे? जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया कुर्सी। कुर्सी क्या है? ठोस पदार्थ है। ईंट, पत्थर, बर्फ, ये सब क्या है? ठोस पदार्थ है। क्या है ये? ठोस पदार्थ, ठीक है। अब इसका जो, जैसे पत्थर है, पत्थर को हम किसी भी बर्तन में डाल लो, कितने बड़े में डाल लो, कितने छोटे में डाल लो, जितना उसका आकार है वो ही रहेगा, आकार चेंज नहीं होने का, और ना ही उसका आयतन चेंज होगा, ठीक है। और ठोस का जो अंतरावी कवकाश है, यानी कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच अंतरावी कवकाश बहुत कम होता है। अब उसके बाद आती है द्रव अवस्था। क्या आती है? द्रव अवस्था। द्रव वे पदार्थ होते हैं, या द्रव द्रव्य की वह अवस्था है, जिसका आकार तो होता है अनिश्चित। आकार क्या होता है? अनिश्चित। और आयतन निश्चित
होता है। जैसे दूध है, दूध क्या है? द्रव है। दूध क्या है? द्रव। पानी है, ग्लिसरीन है, तेल है, ये सब कौन सी अवस्था के उदाहरण है? द्रव अवस्था के। अब जैसे पानी ले लिया, अगर हम उसे गिलास में डालेंगे तो गिलास का आकार ग्रहण कर लगा, कटोरे में डालेंगे तो कटोरे का आकार ग्रहण कर लगा, और बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेगा। ठीक है, इसी प्रकार दूध पानी, तो उसका आकार तो क्या हो गया? अनिश्चित हो गया, क्योंकि बर्तन के साथ साथ उसका आकार चेंज होता जा रहा है। अब उसके बाद जो आयतन है, अगर हमने एक गिलास पानी लिया है तो उसका जो आयतन है वो एक गिलास ही रहेगा। ठीक है, कटोरे में डालो चाहे बाल्टी में डालो, उसका आयतन निश्चित रहेगा। तो द्रव अवस्था का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित है। अब उसके बाद आती है गैसीय अवस्था। क्या आती है? गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था क्या होगी? गैस वे पदार्थ होते हैं या गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों क्या हो? अनिश्चित। इसके दोनों ही निश्चित है, आकार भी और आयतन भी। द्रव का आकार निश्चित, आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। गैस अवस्था का क्या है? आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। द्रव अवस्था में आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित है। जैसे एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीजन, वायु आदि जो गैस है, वे सब क्या है? गैसीय अवस्था में है। गैस अवस्था में क्या है? गैस को हम जितने छोटे कमरे में डालेंगे उसी का ही तो आकार ग्रहण कर लगे और इसी का ही आयतन। अगर बड़े कमरे में डालेंगे तो बड़े कमरे का ही आकार ग्रहण करेगी और बड़े कमरे का ही आयतन। ठोस अवस्था यानी कि ठोस पदार्थ होंगे उनके कणों के बीच अंतरण अवकाश क्या होता है? कम होता है, जिससे आकर्षण बल क्या हो इसके कणों के बीच? सबसे ज्यादा। द्रव अवस्था यानी कि द्रव पदार्थ के कणों के बीच अंतरण अवकाश ठोस की अपेक्षा कुछ ज्यादा होता है, जिससे आकर्षण बल क्या हो इसकी अपेक्षा? कम। गैस अवस्था में गैसीय पदार्थों के कणों के बीच अंतरण अवकाश ज्यादा होता है, जिससे इसके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, अगर ये कह दे कि इनके जो आकर्षण बल के घटते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में लिखिए, तो घटता क्रम आकर्षण बल का ठोस पदार्थ में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। तो आकर्षण बल यानी कि अंतरणिक आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में और सबसे कम गैस में। अगर अंतरणिक अवकाश की बात करें और कह दिया इसके घटते क्रम में लिखो अंतरणिक अवकाश, तो सबसे ज्यादा अवकाश किसके कणों के बीच है? गैस के, उससे कम द्रव के और सबसे कम ठोस के। ठीक है, अब द्रव और जो गैस है ये दोनों क्या हो? तरल पदार्थ होते हैं। द्रव और गैस क्या हो? तरल पदार्थ। और तरल पदार्थ किसे कहते हैं? जिनमें जिन पदार्थों में बहने का गुण होता है, प्रवाह का गुण होता है। द्रव तो केवल एक ही दिशा में प्रवाह करते हैं, बहते हैं, लेकिन जो गैसीय पदार्थ है वो चारों दिशाओं में गति करते हैं यानी कि प्रवाह करते हैं, और जो बहने का गुण होता है उसे बोलेंगे तरल पदार्थ। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है। बच्चों आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे।